हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काले होठों को गुलाबी कैसे किया जाए। आज मैं जो नुस्खा बताऊंगा फ्रेंड्स, उसके सिर्फ 5 मिनट के इस्तेमाल से सिर्फ एक बार में आप अपने होठों को, चाहे कितने भी डार्क हो, उनको सिर्फ एक बार में 5 मिनट के इस्तेमाल से उन्हें गुलाबी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक बार में। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हर लड़का हर लड़की चाहती है कि वो सुंदर दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, तो सब उन्हें पसंद करें। लेकिन कई बार हमारे होठ इतने काले होते हैं, हमारा चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर हमारे लिप्स ब्लैक हो यानी कि डार्क हो, तो हमारी सुंदरता बिल्कुल खराब हो जाती है। कुछ लोग फेस की केयर तो करते हैं, पर अपने लिप्स की केयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सर्दियों में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे होठ काले पड़ने लगते हैं। लेकिन इसका समाधान मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है, और 110% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ दोस्तों, वैसे तो मैं अपने हर वीडियो में सिर्फ एक नुस्खा बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं 3 नुस्खे बताऊंगा, 3 तरीके अपने लिप्स को पिंक करने के। तो तीनों तरीके ध्यान से देखिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप कोई भी टिप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नुस्खे को। इस नुस्खे में जो सबसे पहले सामग्री हम यूज करेंगे दोस्तों, वो है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। दोस्तों, नारियल के तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो हमारी हेयर्स के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये डेड स्किन को निकालता है, न्यू स्किन लाने में हेल्प करता है, और लिप्स को पिंक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जानते हैं कि नारियल का तेल कितना फायदेमंद है। तो दोस्तों, इस नुस्खे में हम लेंगे 1 चम्मच से थोड़ा कम नारियल का तेल। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से 1 चम्मच से थोड़ा कम नारियल का तेल हम ले लेंगे, क्योंकि लिप्स का पार्ट बहुत थोड़ा सा होता है, तो हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। तो दोस्तों, दूसरी चीज हम इस नुस्खे में जो यूज करेंगे वो है दोस्तों हनी यानी के शहद। दोस्तों, हनी के अंदर ऐसे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे तत्व होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आपने सुना ही होगा, कुछ लोगों का मानना है अगर सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी के अंदर अगर 1 चम्मच शहद डालकर पी जाए तो हमारी स्किन निखर जाती है, तो उसी तरीके से हमारी स्किन के लिए बाहर से भी काम करता है। तो इसका इस्तेमाल अगर आप अपने लिप्स पर करेंगे, तो ये आपके लिप्स की जितनी भी डार्कनेस है, ब्लैकनेस है, उसको निकाल देगा, और डेड स्किन को निकालकर लिप्स को पिंक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर हम लेंगे 1 चम्मच डाबर हनी का। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ध्यान से 1 चम्मच डाबर हनी हम इसके अंदर ले लेंगे इस तरीके से। अब तीसरी और आखिरी चीज जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है दोस्तों शुगर यानी के चीनी। दोस्तों, चीनी हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ये आपके लिप्स को रब करके आपकी जितनी भी डेड स्किन है उसको निकालेगी। इसके अंदर मॉइस्चर होता है बहुत सारा, जो आपकी स्किन को मुलायम और सॉफ्ट होकर बेबी सॉफ्ट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर हम लेंगे 1 चुटकी चीनी का। इस तरीके से हम 1 चुटकी के बराबर चीनी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम इस नुस्खे को मिक्स कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए, लगभग ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको 15 से 20 सेकंड इसी तरीके से चलाए रखिएगा, ताकि चीनी भी थोड़ी सी घुल जाए और पूरे तरीके से आपके लिप्स पे काम करने के लिए ये तैयार हो जाए। अभी देखिए कितना गाढ़ा और एक जबरदस्त पेस्ट आपके लिप्स के लिए तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल आपको अपने लिप्स पर कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको लेना है, आपको अपनी 1 से 2 उंगली पे इस तरीके से पेस्ट लेना है, और मान लीजिए आपके लिप्स हैं, तो अपने लिप एरिया पर आपको इस तरीके से लगाना है, और 5 मिनट तक दोनों लिप्स की ऊपर से लेके नीचे इस तरीके से आपको मसाज करनी है। 5 मिनट तक पूरा आपको करनी है इस तरीके से, और आपको इस तरीके से सॉफ्टली करना है, बहुत जोर से नहीं करना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको अपने लिप्स की मसाज करनी है। दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट करने के बाद आपको अपने होठों को धो लेना है। पहली बार में आप देखेंगे आपके लिप्स 80-90% बहुत ज्यादा पिंक हो चुके होंगे, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे, और बहुत ही ज्यादा बेबी सॉफ्ट हो चुके होंगे, जैसे छोटे बेबी की स्किन होती है। तो इस तरीके से नुस्खा काम करेगा। दोस्तों, आप इस नुस्खे को 3 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आपके लिप्स पूरे तरीके से पिंक हो सके। दोस्तों, अब शुरू करते हैं रेमेडी नंबर 2 को। अब नुस्खा नंबर 2 हम तैयार करेंगे, कैसे बनता है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्या पता वो आपको ज्यादा इजी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नुस्खे नंबर 2 में हम लेंगे सबसे पहले 1 चम्मच दूध। ये देखिए दोस्तों, कच्चा दूध आपको लेना है, उबला हुआ दूध नहीं लेना है। दूध कोई भी चल जाएगा, भैंस का हो, गाय का हो, या फिर डेयरी का हो। तो इस तरीके से 1 चम्मच दूध आपको ले लेना है। उसके बाद जो दूसरी चीज हम इस नुस्खे में ऐड करेंगे वो है दोस्तों टर्मरिक यानी के हल्दी।
दोस्तों इस नुस्खे में हल्दी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे चुटकी बराबर, ताकि आपके लिप्स पीले ना पड़ जाएं। दोस्तों टर्मरिक में बहुत सारे एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये स्किन को निखारने के साथ साथ लिप्स को पिंक करने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी का पेस्ट लगाया जाता है ताकि वो सुंदर दिख सके, तो इस तरीके से आपके लिप्स पर भी ये काम करेगा। तो इसके अंदर हम लेंगे एक चुटकी के बराबर हल्दी, इस तरीके से इतनी सी हल्दी हम इस नुस्खे में यूज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब जो तीसरी चीज इस नुस्खे में ऐड करेंगे वो है दोस्तों गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। दोस्तों ये गुलाब की पत्तियों से बना होता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में और घरेलू नुस्खों में गुलाब जल का इस्तेमाल होता है। ये हमारी स्किन की ब्लैकनेस को, डार्कनेस को निकालकर और डेड स्किन को निकालकर स्किन को ग्लो करने में और लिप्स को पिंक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक चम्मच गुलाब जल का। ये देखिए किस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे, इस तरीके से हम एक चम्मच गुलाब जल इसके अंदर ले लेते हैं। दोस्तों एक चम्मच गुलाब जल इसके अंदर हम ले लेते हैं। अभी हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो गया, अब हम इसे सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से मिक्स करना है और एक सीरम आपके लिप्स के लिए बनकर तैयार हो चुका है। इसको 15 से 20 सेकंड अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर दोस्तों नुस्खे को यूज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सेम उसी तरीके से आपको अपनी एक से दो उंगलियों में इस तरीके से इसको लेना है और अपने लिप्स को इस तरीके से आपको 5 मिनट तक रब करना है। इसमें थोड़ा आपको ज्यादा डिप करना पड़ेगा, बार बार आपको डिप करना है और इस तरीके से आपको अपने लिप्स को 5 मिनट तक रब करना है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से लेना, इस तरीके से रब करना है। 5 मिनट मसाज करने के बाद में इस नुस्खे को 1 मिनट तक यूं ही लगे रहने देना लिप्स पे। उसके बाद में इसको ठंडे पानी से अपने होठों को धो लेना है। पहली ही बार में आपके लिप्स, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले नुस्खे में 80-90% लिप्स पिंक हो चुके होंगे, लेकिन 2-3 दिन के इस्तेमाल के बाद आपके लिप्स पूरे तरीके से पिंक हो चुके होंगे और बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा सुंदर आप दिखने लगेंगे। तो दोस्तों नुस्खा नंबर 3 हम यूज करते हैं, कैसे वो बनेगा, कैसे वो तैयार होगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस नुस्खे में जो सबसे पहले हम चीज यूज करेंगे वो है दोस्तों एलोवेरा जेल। दोस्तों एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। दोस्तों सब लोग जो लोग एलोवेरा जेल यूज करते हैं वो लोग इसके फायदे जानते ही हैं। तो दोस्तों ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करके स्किन को सॉफ्ट करने में और ग्लो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, साथ ही साथ पिंक लिप्स को भी पिंक करने में हेल्पफुल होता है। तो इसके अंदर हम लेंगे दोस्तों 1 चम्मच से थोड़ा कम एलोवेरा जेल, बहुत मामूली से एलोवेरा जेल लेंगे हम 1/2 चम्मच के बराबर। ये देखिए दोस्तों, अब जो दूसरी चीज हम इस नुस्खे में ऐड करेंगे वो है दोस्तों हनी। दोस्तों इससे पहले नुस्खे में मैंने आपको हनी के फायदे बता ही दिए थे, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी हमें 1 चम्मच के बराबर हनी ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से 1 चम्मच हम हनी हम इस नुस्खे में ऐड कर लेंगे। दोस्तों एलोवेरा जेल और हनी का मिक्सचर जब मिक्स हो जाता है तो ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी बन जाती है। ये हमारे लिप्स के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। जिन लोगों को डार्क स्पॉट की और चोट के निशान हम स्किन के ऊपर होते हैं वो लोग अब इसे इन दोनों का मिक्सचर अगर अपने चेहरे पर यूज करें तो अपनी हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट और चोट के निशानों को जड़ से खत्म कर सकते हैं और एक ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो हम चलते हैं अब इसके अंदर जो तीसरी चीज हम यूज करेंगे वो है दोस्तों बादाम का तेल। अगर आप चाहें तो नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल के साथ बादाम का तेल ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके अंदर हम लेंगे दोस्तों 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच से थोड़ा कम बादाम का तेल। ये देखिए इस तरीके से। अब चौथी और आखिरी चीज इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो है दोस्तों चीनी यानी कि शुगर। जैसे कि मैंने दूसरे नुस्खे में आपको पहले नुस्खे में इसके फायदे बताए थे, उसी तरीके से इसके अंदर 1 चुटकी से थोड़ा ज्यादा हम चीनी ऐड कर लेंगे। ये देखिए अभी नुस्खा हमारा बनकर तैयार हो गया, ये तीसरा और आखिरी नुस्खा है, ध्यान से देखिएगा ताकि तीनों नुस्खे आपको समझ आ सके। आप चाहे तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं ताकि आप कोई भी टिप मिस कर गए हो तो वो आपको समझ आ जाए। तो इसको हम फिर से मिक्स कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से। इसको भी 15-20 सेकंड आप अच्छे से चला लीजिएगा ताकि चीनी थोड़ी सी इसके अंदर घुल जाए और आपके जो बाकी बची चीनी होगी वो आपके स्किन को रब करने में काम आ सके। ये देखिए इस तरीके से अब ये तैयार हो चुका है, कुछ इस तरीके से ये आपको जो है दिखाई देगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज करना है। दोस्तों इसको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो ध्यान से देखिएगा आपको करना क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इसे अपने लिप्स पे 1-2 उंगली की हेल्प से अपने लिप्स पर इसको इस तरीके से एक पेस्ट की तरह लगा लेना है।
जब ये पूरे तरीके से आपके लिप्स पर लग जाए तो इसे 2 से 3 मिनट यूं ही लगे रहने देना है, ताकि बादाम का तेल और एलोवेरा जेल आपकी स्किन को सॉफ्ट बना दे पहले ही और आपकी स्किन के अंदर अच्छे से समा जाए, क्योंकि एलोवेरा जेल और बादाम का तेल स्किन के अंदर जाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो 2 से 3 मिनट इसे यूं ही लगे रहने देना है। उसके बाद में आपको सेम 5 मिनट तक अपने लिप्स की आपको मसाज करनी है। आप देख सकते हैं चीनी किस तरीके से आपकी स्किन पर आ गई है, ये आपकी स्किन को स्क्रब करने में हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपकी स्किन के अंदर डिसॉल्व होती जाएगी और आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगी। एक बार के इस्तेमाल से आपके लिप्स 1 वीक तक सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन आपको 3 दिन तक लगातार इसका इस्तेमाल करना है। वैसे तो पहली बार में आपके लिप्स बहुत पिंक हो चुके होंगे, लेकिन 3 दिन के इस्तेमाल से आपके लिप्स पूरे तरीके से पिंक हो जाएंगे और लगातार 10 डेज तक आपके लिप्स इतने सॉफ्ट रहेंगे कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो सेम इसी तरीके से ये तीनों रेमेडी काम करेगी दोस्तों। बहुत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही जबरदस्त नुस्खे है, तीनों ही नुस्खे जबरदस्त हैं, तीनों में से किसी में भी एक भी कमी नहीं है। तो तीनों में से जो भी आपको नुस्खा आसान लगे उस नुस्खे को आप कंटिन्यू करो अपने लिप्स पर। अगर आपको कोई भी रेमेडी समझ नहीं आई है तो रेमेडी को शुरू से देखें, दोबारा तीनों रेमेडी को शुरू से देखें, ताकि आप कोई भी टिप मिस ना कर पाए और जो रेमेडी सबसे इजी आपको लगे वो आप अपने लिप्स पर यूज करें और अपने ब्लैक होठों को, काले होठों को पिंक करें। तो दोस्तों इस तरीके से नुस्खा काम करेगा। तो दोस्तों अगर आपको नुस्खा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।